धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की लोकसभा शाहबाद से विधायक और राज्य सरकार में मंत्री पद पर आसीन कृष्ण कुमार बेदी का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है और इस कड़ी में एक और नया विवाद जुड़ गया है। मिली जानकारी के अनुसार शाहबाद से कंबोज बिरादरी के एक व्यक्ति सुखविंदर सिंह पर राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कोई टिप्पणी की, जिसको लेकर कंबोज समाज के लोग एकजुट होकर राज्य मंत्री का विरोध कर रहे हैं। कंबोज समाज के प्रधान ने बताया कि जिस व्यक्ति के बारे में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा है कि वह स्मैक का नशा करता है, या तो उस व्यक्ति का मेडिकल टेस्ट करवाओ कर उसका झूठा साबित करें, और अगर उनके द्वारा कही गई बात झूठी निकलती हो तो वह पूरी कंबोज बिरादरी से माफी मांगे। हालांकि कंबोज बिरादरी के लोगों ने मंत्री जी से कहा है कि पहले भी उन्होंने राज्य मंत्री का चुनाव में भरपूर समर्थन किया था, और अगर अब राज्य मंत्री इस मसले को लेकर स्थिति स्पष्ट कर देते हैं तो वह दोबारा फिर उसी तरह से उनके साथ खड़े हैं, और अगर राज्य मंत्री इस बयान को लेकर माफी नहीं मांगते तो आगे यह मामला तूल पकड़ेगा। और लोकसभा के चुनावों को लेकर लगातार राज्य मंत्री कृष्ण बेदी और लोकसभा के सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं, और इस समय पर इस तरह के मामले भारतीय जनता पार्टी के बड़े वोट बैंक को डैमेज कर सकते हैं, जो शाहबाद में बहुल मात्रा में है। बहरहाल आने वाला वक्त बताएगा यह मामला आने वाले समय में कौन सा सियासी रंग लेकर आता है। अभी इस मामले को लेकर मंत्री जी का विरोध कंबोज बिरादरी द्वारा जारी है। ऐसा है जी, ये सर हमारे साथ सुखविंदर सिंह जी कंबोज साहब हमारे एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उन्होंने हमारे सामने, हमने उनसे पहले पूछा कि आप के ऊपर इस मैच मुक वगैरह के, उन्होंने यहाँ सारी बरादरी में कसम खा के कहा कि मेरे खानदान में कोई स्मैक नहीं पीता, अगर कोई उसका टेस्ट कराए तो हम झूठे हैं, बिल्कुल वो मंत्री जी सच्चे हैं, हम झूठे हैं, लेकिन अगर वो इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है तो हम सारे समाज, हमारा सारा समाज और हमारी जो भी और भाईचारा है सब हम विरोध करेंगे मंत्री जी का। तो सर 2019 का ये जो चुनाव है लोकसभा और विधानसभा का, तो इसमें क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी? रणनीति अभी तो ये, अगर वो मंत्री जी बाइज्जत माफ़ी मांग लेते हैं सारे समाज से, अपने शब्द वापस ले लेते हैं, तो हम सारा समाज फिर भी उनका साथ देंगे। हमने अभी तक कोई फैसला नहीं किया किसके साथ देना, यदि वो नहीं मांगेगा तो हम सारा समाज, जो भी सारे हमारे समाज के मौजूदा आदमी फैसला करेंगे, हम उनके साथ चलेंगे। क्या नाम है सर आपका? सुरजीत सिंह। कहाँ से? शहीद उधम सिंह मोबाइल सोसाइटी का प्रधान हूँ मैं, यहाँ शाहबाद से।